बिल्कुल ठीक हूँ, चुप हो जाओ। तो जो है चुप कर। तो आज जो है ना मैं अपने हिडन कर जानू देखो भाई साहब, ये गाली रहा है वो सवाल भी नहीं करने देता है मुझे। ठीक है खैर, मेरा आज मैं अपने हस्बैंड से कुछ सवाल करने जा रही हूँ, मेरे लिए तो देखे उनकी अल्लाह। तो आज जो है ना मैं अपने हस्बैंड से कुछ सवाल करने जा रही हूँ, अपने बारे में देखो कि वो क्या जाओ। नहीं चलाओ, नहीं चलाओ, नहीं बता मुझे गाना कौन सा पसंद है मुझे। गंदे कौन से देखूं मैं तुम्हें मेरे बारे में कितना। अरे कॉपी राइट लगी हुई दो किसी से जलील कर रखी कोई। अच्छा ये आए अच्छा रोजो हम के रोड दो जी बंद कर। बहरहाल वो सब कुछ याद हो जी ना। हाँ जी तो मैं हम जो है सब चुप करो ना, चाहते हो क्या मैं रोऊं? मैं तो तुम्हें पता चलता है मैं रोने लग वाली हूँ तो तुम बस शुरू हो जाओगे इसको रुलाना है पूरा। हाँ जी तो मैं अपने हस्बैंड से कुछ सवाल करने जा रही हूँ आज, देखेंगे वो मुझे कितना जानता है और वो भी मुझसे कर सकता है। सवाल करना चाहते हो मुझसे? हाँ चलो सही है जी। चलो पहला सवाल ये है कि बताओ मुझे खाने में क्या पसंद है, क्योंकि फूड मेरा जो है ना सबसे फेवरेट है, तो इसीलिए पहला सवाल। तुम्हारा सर तुम्हारा सर मैंने कब खाया भाई, खाने में जो मेरे फेब में भी नहीं मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं शरीफ बीवी हूँ या तेज हूँ, मतलब कैसे बोलो अब वीडियो में वो अल्फाज समझ तो गए होंगे आप। शरीफ मतलब वो जो तेज नहीं होती है खराट। हाँ अब बताओ शरीफ में तो नहीं बोल सकता, तो खराट भी नहीं बोल सकता, तो फिर क्या हूँ? दोनों के बीच में जो आएगा वो अच्छा मतलब मैं बीच वाली हूँ ना, ना ज्यादा गंदी हूँ ना ज्यादा अच्छी हूँ, है ना? चलो फिर सही है। फिर भी तुम गंदे के साथ ज्यादा अच्छे के साथ कौन हो? अच्छा अच्छा मेरे अंदर पॉजिटिव मेरे अंदर नहीं, पॉजिटिव तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरी नेगेटिव हो। सुना भी नहीं पूरा, पहले ही बोल दिया। अच्छा मुझे अच्छा मुझे बता मैं मुझे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद आता है तुम्हें? कौन सा किस चीज में कलर कोई भी बताओ ना, कौन सा अच्छा लगता है मेरा? तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है, पहनने में तुम्हें पहनने के लिए तुम सारे कलर की हाँ सारे पहन सही, गंदे तो नहीं पहनती जो कलर होते हैं, कलर कोई भी गंदा नहीं था। अब ये देखो यहाँ पे कितने सारे कलर तकरीबन नजर आ रहे हैं, कलर कभी भी कोई नजर आ रहा मुझे थोड़ी है सारे कलर नजर आता तो नजर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो सारे कलर्स हैं और कोई भी कलर गंदा नहीं लग रहा। हाँ लड़की का कलर लाल है ना, लाल दुपट्टा पहन के ये चुनरी का मुझे नहीं पसंद चुनरी टाइप कपड़े। हाँ जी तो सवाल दूसरा जानू कुछ सवाल बता दी। अच्छा मुझे बताओ मुझे मजा किस चीज में सबसे ज्यादा, मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं कर रही हूँ मैं किससे झगड़ी हूँ भाई, मैं इतना मतलब मौका चाहिए किसी से, मैं तो चुप होती हूँ, चाहे वो मैं हूँ हमारे घर में कोई हो कोई भी हो तो कोई नहीं मिलता तो तुम स्नैपचैट से भी लड़ लेती हो। पागल हो गया मैंने कब लड़ा कोई कुछ बोल रहे है। अच्छा मुझसे प्यार कितना करते हो? प्यार दो नहीं सच्ची बताओ कल क्या बोला था? नहीं करता हूँ अल्लाह की कसम तुमसे मैं प्यार।
क्यों बोला था? ऐसे होता है क्या? मैं मतलब अपनी जिंदगी में क्या चाहती हूँ? अल्लाह से कमाया होगा। अब सही जवाब दिया। और बताओ, मैं सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हूँ? बच्चों से। कोई तो होगा। हाँ, एक बच्चा सबसे। क्यों करती हूँ मैं अपनी जानू से प्यार? बहुत प्यार है मेरे बच्चे। तुम कुछ सवाल करना चाहोगे मुझसे? सब छोड़ो, मुझे किस टाइप कलर पसंद है? फेवरेट कलर छोड़ो। तुम्हें लाइट कलर पसंद है? मुझे डार्क कलर पसंद है। तुम्हें लाइट कहा था मुझे? तुमने कहा था तुम्हें सी कलर बहुत पसंद है। अरे तो लड़कियों पे अपने ऊपर थोड़ी पसंद है। तो लड़कियों पे कौन सी लड़कियों में तुम्हें पसंद है? जो भी दुनिया जान की लड़कियां हैं जो डार्क कलर्स में। तो तुम सब लड़कियों को लाइट कलर्स में देखते हो? कि लड़कियों को देखूं मैं बैठ के? जो लाइट कलर्स में होती हैं मुझे मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं मुझे। अभी भी तुम्हें लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं? क्यों नहीं करेंगी मर्द हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म की क्या बात है? अगर किसी और को देखूं फिर तुम्हारे आगे बात। तुम अपनी को निकालो ना फिर। मैं क्यों निकालो अपनी? तुम निकाल सकती हो निकालो, मैं तो तुम्हारी निकाल सकता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये कौन सा प्यार हुआ यार? देखो हमारे नबी को अपनी बीवियों से प्यार नहीं था? 11 बीवी आती है। 11 नहीं, 13। फिर क्या वो किसी से कम प्यार करते थे? नहीं, मर्द का दिल बहुत दरिया की तरह होता है ना, वो बहुत सारे प्यार कर सकता है एक साथ। सही है। नहीं तुम क्यों देख रहे हो पराई लड़कियों को? नहीं नहीं बहरा हाँ जी, देखते ही देखते। मुझे जिंदगी में क्या पसंद है? तुम्हें जिंदगी में गाड़ियाँ। कौन सी गाड़ियाँ? थर्ड क्लास चीप जो गंदी होती है, लग्जरी गाड़ियाँ मुझे पता है। पहली बार सुना है इसकी मीनिंग मैंने पढ़ी और वाकई में मुझे रोना आ गया। क्या कर सकता है बंदा, दुआ कर सकता है। प्लीज फलस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं करें। अब तो फलस्तीन बचा ही नहीं है। लिरिक्स सुने और मुझे वाकई में रोना आ गया। बंदा और कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ दुआ कर सकता है। दुआ भी बंदा किसके लिए करे? फलस्तीन तो इसराइलियों ने तबाह कर दिया है। प्लीज इसराइल के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें। ये समझे कि वो दज्जाली खाना है, वो दज्जाली खाना है। और वो खुद मतलब खाना ऐसा है कि वो हमें कह रहा है कि आओ मुझे खाओ। यही आखिरत की निशानी है कि वो खाना देख के लोग रुकेंगे नहीं, वो खाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स लेंगे। प्लीज नहीं खाओ। उन बच्चों बच्चे मासूमों की लाशें देखो। हमारी वीडियो में ना मैं बहुत गंदी लग रही थी, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई। पर मैंने कहा जो असल होता है वो असल होता है। मतलब जो दिल से चीज़ निकल रही थी ना वो तो उसी टाइम थी। खैर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग दुआ कीजिए। आखिरी वक्त बहुत करीब है हमारे, जो हालात हैं अल्लाह रहम करे हम सब पर। और जो है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।